छुट्टियों में हम अलग अलग तरह की चीज़ें घर पर बनाते हैं। बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, उन्हें भी अलग अलग तरीके के इस तरह के नाश्ते बहुत पसंद आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पानी के पकौड़े बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 कप के बराबर बेसन। तो यहाँ पर पकौड़ी मैं 2 तरीके से बनाना बताऊँगी, इसीलिए मैंने 2 कप बेसन लिया हुआ है। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर यहाँ डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन, इन सारी चीज़ों को डाल देना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जिससे कि जो बैटर है एकदम स्मूथ बने, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो। और गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर गाढ़ा घोल बना लेने के बाद अब इसे हाथों से इतना फेंटना है कि एकदम लाइट और फ्लफ़ी हो जाए और बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम रिबन जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिक्सचर एक बार बन के तैयार हो जाए, स्मूथ बैटर बन के तैयार हुआ है, तो अब हाथों से इसे फेंटना शुरू करना है। एक डायरेक्शन में फेंटें जिससे कि बहुत ही अच्छा एरिएशन आएगा और काफ़ी हल्कापन आ जाएगा इस बैटर में। तो हमारा जो मिक्सचर है एकदम परफेक्ट तैयार होगा। ये देखिए अभी इसमें लम्प्स जैसे गिर रहे हैं ये हाथों में लेने पर, लेकिन जैसे ही इसमें हल्कापन आता जाएगा वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी रिबन जैसी होगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बैटर तैयार होगा। तो इसी तरीके से बेसन के घोल को अच्छे से फेंट लेना है। एक तरीका और है चेक करने का, थोड़ा सा पानी एक बोल में ले लें और थोड़ा सा ये बैटर पानी में ऊपर फ्लोट हो रहा है, यानी कि हमारा जो बैटर है एकदम अच्छे से फेंटा जा चुका है, काफ़ी अच्छा एरिएशन आ गया है। तो अब इसे मैं 10 मिनट रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। तो ढककर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, और इसे अच्छी तरीके से फेंट लेना है बेसन के इस बैटर में, अच्छे से मिक्स कर लें। तो हमारी पकौड़ियाँ एकदम ही लाइट और बहुत ही एरिएटेड अंदर से पॉकेट्स बनेंगे, तभी हमारी जो पानी वाली फुलकियाँ हैं अच्छे से पानी में फूककर तैयार होंगी। ये देखिए यहाँ पर तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और थोड़ा सा बैटर इसमें डालकर देखा। ये देखिए डालते ही तेल में ऊपर तैरने लगी है, यानी कि बैटर भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। तेल को भी अच्छे से गर्म करके फिर आंच को धीमा कर देना है और थोड़ा थोड़ा बैटर लेके इसमें छोटे छोटे ड्रॉप्स जैसे डालने हैं और छोटी छोटी फुलकियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो एकदम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर यहाँ पर तेल में ये देखिए कुछ इस तरीके से डालना है और इसे लो से मीडियम आंच पर हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। एक बैच को फ्राई होने में करीब 4 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है। तो इस तरीके से इन फुलकियों को बनाकर तैयार कर लेना है। आप सभी ने ठेले पर अलग अलग तरह के चाट पकौड़ियाँ ज़रूर खाई होंगी, लेकिन इस तरीके से पानी वाले पकौड़े शायद ही खाए हों। तो आप एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और ना ही वक्त लगता है, झटपट ये बन के तैयार हो जाती है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर ये देखिए फुलकियों को फ्राई करते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो चुका है। हल्का सुनहरा रंग आने के बाद इसे मैं तेल में से निकाल लूँगी। टिश्यू पेपर पर निकाल लें जिससे कि इसका जितना एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। फुलकियों को एक और तरीके से बनाया जा सकता है। तो बैटर इस तरीके से बनाकर इसमें थोड़ा सा प्याज इस तरीके से बारीक काट कर डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो ख़ास तौर पे जो पहली बार इसे बना रहे हैं या बेसन का घोल किस तरीके से तैयार करें उन्हें जजमेंट नहीं मिलता है, अंदाज़ा नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा प्याज डाल दें और हल्का सा इसे गीला रखें, यानी कि और 1/8 टेबल स्पून पानी डालकर। फिर ये देखिए मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर छोटी छोटी फुलकियाँ तेल में फ्राई करके निकाल लेनी है। तो प्याज से होता क्या है कि हल्का सा मॉइस्चर रिलीज़ होता है अंदर ही अंदर और फुलकियों में काफ़ी अच्छा सा एरिएशन आ जाता है और बहुत ही फूली फूली फुलकियाँ बन के तैयार होती हैं। तो अगर आप प्याज खाते हैं तो इस तरीके से प्याज डालकर भी फुलकियों को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फुलकियों को ये देखिए फ्राई कर लिया है, हल्का सुनहरा रंग आ गया है, तो इसे भी मैंने तेल में से निकाल लिया है। तो चलिए अब पानी वाली फुलकी के लिए यहाँ पर मैं पानी तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैंने लिया हुआ है 1/2 कप के बराबर पुदीने के पत्ते और 1 कप यहाँ पर मैं धनिया पत्ता डाल दूँगी, 4 से 5 हरी मिर्च डाल दूँगी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो हरी मिर्च आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से ही यहाँ पर डालें और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर लिया हुआ है मैंने बोल जिसमें डाल दिया है 1 लीटर के करीब पानी और इसमें डाल देनी है हरी वाली चटनी जो अभी पीस कर तैयार की है। इसी के साथ इसमें मैं डाल दूंगी 1/3 कप के बराबर गुड़ का पाउडर और फिर डाल देना है 1 कप के बराबर इमली का पेस्ट। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें स्वाद के लिए डाल दूंगी जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, हींग, स्वाद अनुसार नमक और काला नमक भी डाल दें साथ में। काला नमक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है तो इसे ज़रूर डालें। इस पानी को और थोड़ा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर चिली फ्लेक्स,
और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चटपटा पानी बनके तैयार हुआ है। इस पानी को बनाने के लिए आप इमली की जगह चाहें तो अमचूर पाउडर या आम का पन्ना बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन पकौड़ियों को मैं डाल दूँगी पानी में और इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जिससे कि ये पानी एब्जॉर्ब करके अच्छे से फूक जाएंगी। यहाँ पर थोड़े से प्याज पतले स्ट्रिप्स में ये देखिए काट कर रखे थे, इससे गार्निश कर लूँगी। थोड़े से बारीक कटे हुए पुदीना के पत्ते, बारीक कटे हुए धनिया पत्ता, इससे गार्निश कर लूँगी। थोड़े से बूंदी डाल दूँगी, बूंदी भी इस तरीके से पानी में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हमारी पानी वाली पकौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं ये खाने में। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। गर्मी के मौसम में इस तरीके से कम वक्त में बन जाने वाली रेसिपीज़ सबको बहुत पसंद आती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।